कमस्यार घाटी के गांव में प्याज सहित अन्य खेती पर लगे रोग की शिकायत के उपरांत हरकत में आई उद्यान विभाग ने प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर किसानों को तकनीकी जानकारी देने के साथ साथ उन्हें दवाएं भी वितरित की हैं। यहां बता दें कि कमस्यार घाटी के कई गांव में प्याज की फसल पर झुलसा रोग लग जाने से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। इधर उद्यान सचल दल के प्रभारी कमल पंत तथा उद्यान सहायक देवेंद्र रावत ने प्रभावित गांव देवलखेत तथा नरगोली का भ्रमण कर किसानों से मुलाकात की तथा उन्हें तकनीकी जानकारी मुहैया कराई। उद्यान विभाग ने दवा का वितरण भी किया है। किसानों ने बताया कि गत वर्ष भी झुलसा रोग के कारण आलू तथा टमाटर की खेती को खासा नुकसान पहुँचा था। आज हम ग्राम सभा नरगोली सिमायल और देवलेत में ग्राम सभा में पहुंचे हुए थे। यहाँ पे प्याज में कुछ दिक्कत आई थी तो उसको लिए हम आज हमारे साथ मेरे कांडा उद्यान सचल दल केंद्र प्रभारी श्री कमलपंत जी और मैं स्वयं यहाँ पे उपस्थित हुआ। देखा खेत में तो वहाँ पे फंगस जो है ब्लाइट आया हुआ है और उसके लिए हमने किसानों को आज बता दिया कि कैसे इसका उपचार करें और हमने कुछ दवाइयाँ भी इनको निःशुल्क में उपलब्ध कराई हैं और अगर ये सही समय पे इसमें उपचार करते हैं तो अभी खेती इनका जो प्याज है और लहसुन पे ये जो समस्या बता रहे हैं वो इनकी बच सकती है। देखिए अभी ये जो है अभी अर्ली स्टेज में है और जो मेडिसिन दी गई हैं जो रसायन दिए गए हैं अगर फार्मर उनका सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो उनकी फसल भी बच सकती है क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेज में देखा गया है। इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है और फंगस की मेन बीमारी है जो कि बसंत ऋतु के साथ साथ प्रारंभ हो जाती है। इसे बैंगनी धब्बा रोग कहा जाता है। लगभग ये प्रारंभिक अवस्था में है अपने तो कुछ किसानों को हमने यहाँ पे दवाइयाँ दी हुई हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि बताए गए निर्देशानुसार दवाइयों का प्रयोग करें। देखिए जून के लिए कांटा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।